हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्योंकि आप सबके काफ़ी क्वारीज आ रही थी जब मैं लाइव भी आया था, और मैंने आपको वादा किया था कि कुछ भी अपडेट मिलेगी स्कूल से तो मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान से सुनना इस बातों को, और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और जो मैं पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो, मेरी बात हुई स्कूल से, दो तीन स्कूल से बात हुई है, और उन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। मैंने कहा आपको रिजल्ट तो मिल चुका है। कहते हैं हाँ सर, रिजल्ट तो मिल चुका है, लेकिन जब हम सुबह स्कूल आए तब हमने रिजल्ट देखा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा अपने बच्चों को क्यों नहीं प्रोवाइड किया? तो वो कह रहे हैं बेसिकली हमारे स्कूल में 200-300 बच्चे हैं टेंथ के, ठीक है, और जो PDF आया ना, अगर हम उसको शेयर कर देंगे ना तो 200-300 बच्चों के कॉल आने शुरू हो जाएंगे। सर इसमें डाउट है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, ये चीज़ें खराब हैं। तो कह रहे हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि बच्चे को ना प्रॉपर मैनर में मिले, क्योंकि PDF में बच्चों को अपना नाम ढूंढना पड़ेगा, हैपेजर्ड मैनर है, तो इसलिए हम नहीं चाहते बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँ, क्योंकि सब वहाँ पे थोड़े इशूज़ हैं PDF में। इशूज़ इन द सेंस कि आपको सारा कलेक्टिवली दिया हुआ है, तो हो सकता है आप नहीं पहचान पाओ। तो वो कह रहे हैं हम क्या करें, हम एक अलग से मार्कशीट बना रहे हैं बच्चों के लिए, अलग से PDF बना रहे हैं हर एक बच्चे का, जल्दी जल्दी उसमें मार्क्स नोट करें और फिर हम आगे सीट करेंगे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे या फिर हम उनके पर्सनल विंडो पे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जो मैंने तीनों स्कूल से बात की, जब उन्होंने कहा मीटिंग हमारा कुछ भी नहीं है कि हमारी PTM हो, हमने PTM वगैरह करवाने वाले, लेकिन हाँ शायद रिजल्ट हम शाम तक प्रोवाइड करवा दें बच्चों को, मैक्सिमम चांसेस हैं, अगर नहीं हुए तो शायद मंडे तक भी जा सकता है, या फिर हम PDF अपने घर ले जाएंगे और वहाँ से घर से नोट डाउन करके PDF में प्रॉपर बना के एक हर एक बच्चे को भेज दिया जाएगा। तो आज रात तक या कल या परसों तक उनको भी रिजल्ट मिल जाएगा जिनको नहीं आया, और ज़्यादा स्कूल्स को शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा। यही रीज़न है कि आपको अभी तक नहीं आया। फिर मैंने उनसे बात की बोनस मार्क्स की, सर बोनस मार्क्स का क्या लेन देन है? वो कहते हैं इस पर अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम भी इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं बच्चों से, बच्चों से क्या बेसिकली CBSE से, जो CBSE के ऑफिशियल्स हैं उनका अभी तक हमें कोई बात नहीं हुई उनसे, हम भी ये चीज़ पूछना चाहते हैं। और एक उन्होंने तरीका ये बोला, हमारे पास मार्क्स नोट डाउन है बच्चों के जितने उनके आए थे जब हमने पेपर्स चेक करके भेजे थे, तो जब अभी इनके रिजल्ट के मार्क्स हैं हम उनके साथ मैच करेंगे और देखेंगे कितने बोनस मार्क्स वगैरह मिले। तो मैंने कहा सर मुझे बता देना, तो उन्होंने कहा हाँ हम भी आपको बता देंगे और मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूँ, टेंशन मत करो, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, रात को लाइव भी आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी मैं बताऊंगा। रात को 10 बजे लाइव आना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। ऑल द वेरी बेस्ट, रिजल्ट आप सबका बहुत अच्छा आया होगा, आई होप फॉर दैट। और मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे आपके कितने कितने मार्क्स अभी तक आए हैं, आप मार्क्स से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, प्लीज़ ज़रूर बताना ताकि मुझे एक सैम्पल साइज मिल पाए, मैं देख पाऊँ कि क्या रीज़न हुआ है। जैसे ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो पता भी चलेगा कि चेकिंग कैसी हुई है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। 12th का रिजल्ट भी शायद 3 से 4 दिन में आ जाए, ठीक है। कोई कोई तो बोले आज रात को आ जाएगा, बट अभी तक कुछ नहीं कह सकते। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी, ऑफिशियल होगी, तो मैं आपको बता दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।